मायावती, अखिलेश और अजीत सिंह यानी यूपी की चुनावी तिकड़ी एक मंच पर सालों बाद पहली बार पहुंचे, अपनी ताकत दिखाई और इसके लिए जहां मंच सजा वो जगह थी देवबंद और निशाने पर थे मुस्लिम मतदाता, इसलिए मायावती ने अपना मुस्लिम दांव चला। असल में पश्चिमी यूपी की करीब 20 सीटों पर मुस्लिम वोट मायने रखता है, लेकिन मुस्लिम वोट के दूसरे दावेदार कांग्रेस के ताल ठोकने से इस बैंक वोट के बिखरने का खतरा है, इसलिए मायावती को कहना पड़ा कि मुसलमान मतदाताओं भावनाओं में मत आना और वोट कांग्रेस को मत करना, हर वोट गठबंधन के खाते में जाए। इसके लिए मायावती ने मोदी और योगी के नाम से मुसलमानों को डराने की कोशिश भी की, कांग्रेस को वोट कटवा बताया। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल पहले ही कांग्रेस को यूपी में वोट कटवा बता चुके हैं। कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, जो सीधे सीधे गठबंधन के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए मायावती ने कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि कांग्रेस की न्याय योजना से गरीबों का भला होने वाला नहीं, गरीबी हटाओ की नौटंकी इंदिरा गांधी भी कर चुकी हैं, उससे कुछ हुआ नहीं। यूपी में कांग्रेस पर बीजेपी का साथ देने का आरोप अलग से लगा दिया और कहा गया कि कांग्रेस वोट काटकर बीजेपी का रास्ता आसान बना रही है। लेकिन सवाल ये है कि जब कांग्रेस से मायावती और अखिलेश को इतना ही बैर है तो उसके लिए दो सीटें छोड़ी क्यों और उसके बदले कांग्रेस का सीटों पर समर्थन क्यों लिया? खैर, ये ऐसे सवाल हैं जिसका मायावती और अखिलेश के पास कोई जवाब नहीं, लेकिन यूपी की जनता सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।